अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जीडीपी मुकुल गोयल के कार्यक्रम में आंशिक परिवर्तन, अब अवध विश्वविद्यालय में नहीं होगी बैठक। अपरिहार्य कारणों के बैठक स्थगित की गई है, अवध विश्वविद्यालय से हटाई गई फोर्स। राम जन्मभूमि परिसर में निरीक्षण, निरीक्षण के बाद चल रही स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक। राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर हो रहा मंथन। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। डीजीपी मुकुल गोयल के कार्यक्रम में आंशिक परिवर्तन, अवध विश्वविद्यालय में नहीं होगी अब बैठक। अपरिहार्य कारणों से बैठक को किया गया स्थगित, अवध विश्वविद्यालय से हटाई गई फोर्स। राम जन्मभूमि परिसर में निरीक्षण, निरीक्षण के बाद चल रही स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक। राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर हो रहा मंथन। सिपाही की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत, अंबेडकर नगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। 112 में तैनात था सिपाही, अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, अंबेडकर नगर से बड़ी खबर। सूचना पर पहुंची पुलिस, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस वक्त की बड़ी खबर अंबेडकर नगर से सामने आ रही है, जहां सिपाही की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत, 112 में तैनात था सिपाही, अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, अंबेडकर नगर से ये खबर सामने आ रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अंबेडकर नगर से ये खबर सामने आ रही है, जहां सिपाही की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, संजय निषाद और जेपी नड्डा की मुलाकात। संजय निषाद बीजेपी अध्यक्ष से करेंगे मुलाकात, दोपहर 3 बजे सर्किट हाउस में होगी मुलाकात। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, संजय निषाद और जेपी नड्डा की मुलाकात। संजय निषाद बीजेपी अध्यक्ष से करेंगे मुलाकात, दोपहर 3 बजे सर्किट हाउस में होगी मुलाकात। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गोरखपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, संजय निषाद और जेपी नड्डा करेंगे मुलाकात। चोरों ने किया लाखों का माल फार, हिंदू संगठन के पदाधिकारियों के घर में चोरी, उन्नाव से बड़ी खबर सामने आ रही है। शादी समारोह में शामिल होने गया था पूरा परिवार, चोरों ने लॉकर और बक्से का ताला तोड़कर नकदी की पार, जेवर सहित लगभग 20 लाख का किया माल पार। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस बल, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी पहुंची। उन्नाव से खबर सामने आ रही है, अचलगंज थाना क्षेत्र की घटना, चोरों ने लाखों का माल किया पार। बड़ी खबर सामने आ रही है उन्नाव से, हिंदू संगठन के पदाधिकारी के घर चोरी की घटना आई सामने, शादी समारोह में शामिल होने गया था पूरा परिवार, चोरों ने लॉकर और बक्से का ताला तोड़कर नकदी की पार, जेवर सहित लगभग 20 लाख का माल किया पार। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस बल, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी पहुंची। गाजीपुर में आज बीजेपी का ट्रैक्टर रैली, रैली में 400 से ज्यादा ट्रैक्टर रहेंगे शामिल। बीजेपी किसान मोर्चा के नेतृत्व में निकाली जाएगी रैली, रैली सदर कोतवाली के लंका मैदान से निकलेगी, विकास भवन होते हुए बीजेपी कार्यालय पर खत्म होगी रैली। सरकार की योजनाओं को बताना है रैली का उद्देश्य। गाजीपुर में आज बीजेपी की ट्रैक्टर रैली, रैली में 400 से ज्यादा ट्रैक्टर होंगे शामिल। बीजेपी किसान मोर्चा के नेतृत्व में निकाली जाएगी रैली, रैली सदर कोतवाली के लंका मैदान से निकलेंगे, बीजेपी विकास भवन से होते हुए बीजेपी कार्यालय पर खत्म होगी रैली।